राधे राधी दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं एकादशी का दिन भगवान लक्ष्मी नारायण को समर्पित है यह दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास माना जाता है इस दिन पूजा व्रत ही नहीं शास्त्रों में बताए गए अगर कुछ खास आसान से उपाय कर लिए जाएं, तो जीवन की सभी दिक्कतें दूर हो जाती हैं आर्थिक समस्याएं भी दूर होती हैं और जीवन में खुशियां आती हैं दोस्तों अगर आप आर्थिक समस्या से घिरे हुए हैं जितनी कमाई नहीं होती उससे ज़्यादा खर्चा निकल आता है घर में पैसा टिकता नहीं है धन की दिक्कत लगातार बनी हुई है तो आप एकादशी के दिन एक नारियल ने आपको सूखा नारियल जो गोला कहा जाता है वह आपको लेना है बिना जटा वाला अब इसको आप ऊपर से काट लीजिए महिलाएं अपने हाथ से नारियल ना काटें आप अपने घर में किसी पुरुष सदस्य से नारियल कटवा सकती हैं अब आप, आप बुरा लें और उसमें एक चम्मच देसी घी मिला लें और फिर इसे नारियल में भर दें भरने के बाद इस नारियल का जो कटा हिस्सा है उसे ऊपर से ढककर नारियल को बंद कर दें अब किसी ऐसे स्थान पर जाएँ जहाँ की मिट्टी में आप खोज सकें यानी कि मिट्टी में इकट्ठा कर सकें और आसपास चीटियां भी हों अब आप मिट्टी में इकट्ठा करके इस नारियल को मिट्टी में दबा दीजिए आपको ऊपर से मिट्टी नहीं डालनी सिर्फ इकट्ठा करके नारियल को मिट्टी में रख देना है और फिर हाथ जोड़कर भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी को प्रणाम कर सभी आर्थिक समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें दोस्तों शास्त्रों के अनुसार जैसे-जैसे चीटियां उस घी मिले बूरे और नारियल को खाएंगी आपकी आर्थिक समस्या भी भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से जल्द ही दूर होने लग जाएंगी कुछ ही दिनों में सभी तरह की आर्थिक समस्याएं दूर होकर धन लाभ होगा अब हम आपको एकादशी पर करने वाला एक महा उपाय बताने जा रहे हैं इस उपाय को करने से भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है कष्टों से छुटकारा तो मिलता ही है साथ ही धन का लाभ होता है और धन संबंधी समस्याएं भी जल्द ही दूर हो जाती हैं भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं दोस्तों उपाय सही प्रकार से करने के लिए इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों एकादशी की रात का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है माना जाता है एकादशी पर दिन की अपेक्षा रात्रि में की गई पूजा कई गुना अधिक पुण्य फलदायी होती है इसलिए यह उपाय भी हो सके तो आप एकादशी की रात्रि को ही करें रात्रि यानी कि संध्या बंधन के समय से आप रात में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं उपाय करने के लिए सबसे पहले आप स्नान का स्वच्छ अगर आपने सुबह स्नान किया है तो आप सिर्फ संध्या काल के समय मुहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें अब आप एक दीपक लें और दीपक में आप रुई की बाती लगाएं। दोस्तों दो तरह की बाती होती है एक लेटी हुई बाती और एक खड़ी हुई बाती जो खड़ी जिसे फूल वाली बाती बोला जाता है जो पूरी जल जाती है आपको इस तरह की बाती दीपक में लगाने हैं बाती लगाने के बाद आप दीपक में शुद्ध घी भरें शुद्ध घी ना हो तो आप अपने घर में मंदिर में जिस भी घी का दीपक जलाते हैं या मीठे तेल का जलाते हैं आप वह इस दीपक में भर दें आप इस दीपक को आप किसी कटोरी या फिर प्लेट में रखें ध्यान रखें आज के दिन पूजा में भी चावल का इस्तेमाल भूल कर भी ना करें एकादशी के दिन चावल को खाना या फिर किसी भी तरह से चावल का इस्तेमाल करना वर्जित माना गया है दीपक रखने के बाद अब आप इस दीपक को जलाएं और हो सके तो दीपक के साथ एक सुगंधित धूप पत्ती भी जरूर जलाएं। अब आप भगवान श्री हरि विष्णु जी को हल्दी से तिलक करें और माँ लक्ष्मी जी को कुमकुम -कुम से तिलक करें अब आप भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी को किसी फल मिष्ठान या शक्कर का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करें प्रार्थना करने के बाद आप दो साबुत फूल वाले लौंग लें दोस्तों ध्यान रखें आपको दो लौंग लेने हैं जो साबुत फूल वाली हो। लौंग टूटी हुई नहीं होनी चाहिए लौंग लेने के बाद इन लौंग को आप अपने मस्तक से लगाएं। अब इन दोनों लौंग को आप दीपक में डाल दें दीपक में लौंग डालने के बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और अपनी सभी परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करें प्रार्थना करने के बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 सौ बार जाप करें मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय अगर आपके पास तुलसी की माला है तो तुलसी की माला पर इस मंत्र का जाप करें इस मंत्र का जाप तुलसी की माला पर करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। मंत्र का जाप करने के बाद अब आप हाथ जोड़कर थोड़ी देर जय मां लक्ष्मी जय मां लक्ष्मी का जाप करें अब आप इस दीपक से भगवान श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी जी की आरती उतारते हुए भगवान श्री हरि विष्णु जी की आरती ओम जय जगदीश हरे का गान करें भगवान जी की आरती उतारने के बाद दोस्तों आपकी जो भी समस्या है जो भी परेशानी है वापस से उन सभी परेशानियों को दूर करने की भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें प्रार्थना करने के बाद आप अपने मस्तक पर भी हल्दी कुमकुम से तिलक करें और दोस्तों जब तक यह दीपक पूर्ण ना हो जाए तब तक आप भोग भगवान जी के सामने से ना उठाएं दोस्तों जैसे घी खत्म होने के साथ दीपक की बाती जलती जाएगी दीपक की बाती के साथ यह लॉन्ग भी जलती जाएंगी और जैसे जैसे यह लॉन्ग जलती जाएंगी आपके जीवन से भी परेशानियां खत्म होती चली जाएंगी मान्यता है कि दीपक की बाती के साथ जैसे जैसे ये लॉन्ग जलकर राख हो जाती हैं वैसे ही जीवन में चली आ रही समस्या परेशानी संकट भी दूर हो जाते हैं और बाते और लौंग जब साथ में जलते हैं तो घी और लौंग जलने की जो सुगंध होती है यह माँ लक्ष्मी जी को अपनी तरफ आकर्षित करती है इस सुगंध से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और धन संबंधी समस्याएं दूर दोस्तों भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने का साथ ही जीवन में चली आ रही परेशानियों को दूर कर धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति पाने का ये बहुत ही आसान और असरकारक उपाय है जब दीपक पूर्ण हो जाए तो आपने भगवान जी को जो भोग लगाया है उसे प्रसाद के रूप में अपने परिवार सहित ग्रहण करें और दीपक और लौंग की बाती और लौंग की जो राख है उसे आप अगले दिन शुद्ध जल में मिलाकर किसी पौधे की जड़ में डाल दें ध्यान रखें तुलसी जी की जड़ में ना डालें आप किसी भी अन्य पौधे की जड़ में इस राख को डाल दें दोस्तों इस उपाय को करने के साथ ही एकादशी के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें एकादशी के दिन भूल भी मीट अंडा प्याज लहसुन या मदरा इत्यादि का सेवन ना करें एकादशी के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें एकादशी के दिन चावल या जौ का सेवन ना करें क्योंकि एकादशी के दिन चावल और जौ को भी मांसाहार की श्रेणी में रखा जाता है इसलिए एकादशी के दिन ना तो चावल और जौ का सेवन करना चाहिए ना ही भगवान जी के पूजन में इस्तेमाल करना चाहिए एकादशी के दिन चावल और जौ का सेवन महापाप माना जाता है इसलिए फूल कर भी चावल और जौ का सेवन ना करें एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करने चाहिए लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते इसलिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र अर्पित करने के लिए एक दिन पहले से ही आप तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें अगर आप किसी कारणवश भूल गए हैं तो आप एकादशी के दिन तुलसी जी के पास जो खुद से टूटकर गिरे हुए पत्ते हैं आप वह ले सकते हैं या भगवान जी के पूजन में आपने पहले जो उन्हें तुलसी पत्र अर्पित किए थे आप वह लेकर गंगा जल या शुद्ध जल से धोकर साफ करके वापस भगवान जी को अर्पित कर सकते हैं क्योंकि तुलसी के पत्ते बासी नहीं माने जाते दोस्तों एकादशी व्रत के खास महत्व और नियम होते हैं इसलिए एकादशी के व्रत कभी भी शुरू कर कभी भी बंद नहीं किए जा सकते अगर आप एकादशी के व्रत रखना चाहते हैं तो उत्पन्ना एकादशी से ही इनका प्रारंभ करें सिर्फ नेचला एकादशी ऐसी होती है जिसका व्रत रखा जा सकता है एकादशी के दिन इन बातों का विशेष ध्यान रखें उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे भी इसका लाभ उठा सकें हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फॉर वॉचिंग राधे राधे